हेलो स्टूडेंट, वी सी हियर टुडे लेट्स लर्न फ्लैश टूल इन डिटेल, रेक्टेंगुलर एंड पेन टूल. इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द ओव्यूल्स एंड सर्किल टूल्स. टुडे वी सी हियर द रेक्टेंगुलर एंड पेन टूल्स एंड सम अदर टूल्स हियर इन टूल बॉक्स. वी डिस्क्राइब अबाउट दिस ब्रीफली. लेट अस सी हियर रेक्टेंगल टूल helps us to draw rectangular objects. Rectangular objects को draw करने के लिए हम इस tool का use करते हैं. This tools work in a way similar to the oval tool. ये oval tool की तरह ही होता है. Simply click and select the tools, then click and drag to draw the rectangular. To draw a square, press the shift key while dragging draw. ठीक है, जब हम किसी चीज को ड्रा करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्लिक करके उसको माउस को दबाकर ड्रैग कर लेते हैं. और अगर उसको हम स्क्वायर फॉर्म में बनाना चाहते हैं, किसी भी ड्राइंग को आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट दबाकर फिर उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप में आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट है आपका पेन टूल. दिस टूल्स हेल्प अस टू ड्रा एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. और पेन टूल्स हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसको ड्रा कर सकते हैं. तो राइट लाइन सेगमेंट्स, सीधा लाइन खींचने के लिए हम इसका यूज करेंगे. कर्व सेगमेंट्स, उसको कर्व करेंगे, सीधा लाइन खींच कर आप शिफ्ट दबाकर उसको ऊपर नीचे करके कर्व भी कर सकते हैं. स्मूथ फ्लोइंग कर्व्स, आप स्मूथ फ्लोइंग कर्व्स बना सकते हैं, इस टाइप का शेप बना सकते हैं उससे हम. ड्रॉइंग आ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द पेन टूल. पेन टूल का यूज करके हम स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा करेंगे. टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द पेन टूल, सेलेक्ट पेन टूल एंड क्या करना है उसके बाद, देन क्लिक ऑन द स्टेज टू सेट द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट. अब स्टेज पर हम उसको क्लिक करेंगे और स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ड्रा करेंगे, खींचेंगे उसको, ड्रैग करेंगे. ठीक है, Once the points are select flash, जब एक point को हम select करते हैं, flash immediately connects the point and draw it lines. तो एक जगह से दूसरे पर ले आते हैं, तो वो automatic क्या होता है, अपने आप वो सीधा line draw हो जाएगा उसमें, right? Next, this is the toolbox. This is toolbox. It is appear in the right side in the corner of your window. This is some features given in your toolbox. Some tools are useful for, like as in Photoshop. See here, select and arrow. Arrow tool या select tool इसको बोलते हैं हम लोग, selection इसे करते हैं. Sub selection, इसका भी use selection में होता है. Free from selections, free of type, free style में selection करने के लिए हम इसका use करते हैं. Next उसके बाद 3D rotation है, इसका यूज किया था डायग्राम अपना जो आपका जो एनिमेशन है उसको रोटेट कराने के लिए. लैसो टूल है, इसका भी हम सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कलर वगैरह चेंज करने के लिए. नेक्स्ट पेन टूल है, कहीं पर भी ड्रा करने के लिए, लिखने के लिए कुछ भी टेक्स्ट वगैरह, और टेक्स्ट के लिए एडिट करने के लिए टेक्स्ट टूल है. फिर उसके बाद लाइन टूल है, लाइन टूल के बारे में भी आपको बताया है. उसके बाद रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में बता चुके हैं. पेंसिल है, पेंसिल भी इसी तरह वर्क करता है पेन टूल की तरह. उसके बाद ब्रश है, पेंटिंग के में यूज करते हैं. उसके बाद बोन है, बोन का यूज करेंगे एनिमेशन बनाने में, जहाँ समझ में आएगा. उसके बाद है नेक्स्ट पेन बकेट है, पेन बकेट का यूज करते हैं कलर करने के लिए. किसी सर्किल, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर किसी जगह पर, किसी खास फिगर में हमको क्या करना है, उसमें कलर भरना है, तो कलर के लिए हम पेन बकेट यूज करेंगे. आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर क्या है, कलर को छोटे जगह पर, छोटे कलर को इसे आंख वगैरह उसको कलर को देना, कलर को चेंज करना. उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट टूल्स है इरेजर. कहीं मिस्टेक होता है, जैसे हम पेंट में इरेज करते हैं, उसी तरह इसमें भी हम किसी भी गलत ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट हैंड्स, हैंड है किसी भी चीज़ को जूम करेंगे तो उसको पकड़ कर ऊपर नीचे करने के लिए, इमेज को ऊपर नीचे करके मूव करने के लिए, घसकाने के लिए इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल से हम क्या करेंगे, पेंसिल से शैडो करेंगे, शैडो करेंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे और इससे हम ड्राइंग भी बना सकते हैं. नेक्स्ट है फिल कलर, फिल कलर यहाँ पर लुक लाइक्स एज द बॉक्स, दिस इज लुक लाइक एज द बॉक्स फिल कलर. अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से कलर चूज करेंगे और ले जाकर हमें जहाँ एनिमेशन बना है वहाँ पर कलर सेलेक्ट करके उसको हम पिक कर देंगे, ठीक है, पिक करके वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे. नेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, ये हम यहाँ पर बैकग्राउंड देंगे
या अपने कलर को यहाँ से चूज करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं। कोई कलरफुल चीज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, या शेडो में देना है पेंसिल शेडो में, तो यहाँ से हम उसको चूज कर लेंगे कलर को। स्वैप कलर, स्वैप कलर्स क्या है, अब यहाँ से हम कलर चूज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ड्राइंग बना हुआ है स्टेज पर उसको हम पहले क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर कलर मिलाएंगे, यानी कि दूसरी जगह से जो कलर हमको उठाना है कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है तो वो कलर यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पर ले आकर पेस्ट कर देंगे, स्वैप हो जाएगा। लास्ट है स्नैप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए स्नैप टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे अलग अलग लेयर्स को मूव कराने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडे एंड सम डिटेल गिवन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।